मध्य प्रदेश के खरगोन में सब्जी मंडी शिफ्ट करने को लेकर विवाद हो गया है। जिला प्रशासन ने नगरपालिका के फायर फाइटर सब्जी मंडी के चारों रास्तों पर अड़ाकर सब्जी मंडी व्यापारियों को नीलामी से रोका। व्यापारी और जिला प्रशासन आमने सामने हो गए। एसडीएम ने कानून हाथ में न लेने की चेतावनी दी है। व्यापारियों ने कहा नगरपालिका और जिला प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है, नाके पर टैक्स और भाड़ा ले रहे हैं, हम व्यापारी कहाँ जाएं। जिला मुख्यालय पर सब्जी मंडी शहर से 4 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सब्जी मंडी के चारों रास्तों पर नगरपालिका के फायर फाइटर अड़ाकर सब्जी मंडी व्यापारियों को नीलामी से रोका। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या है, नगर पालिका में ये बम्बा मोटर चारों तरफ गेट लगा दे, ठेले कहाँ लगाए, इनको क्या समस्या हमारे व्यापारियों से। क्या वहाँ जाए मंडी में 200 रुपए मंडी के नाके वाले ले रहे हैं, तो जाए काम। ठीक है, नगर पालिका मंडी बंद कर रही है, तो मंडी ये दादागिरी खुले कर रहे हैं क्या नगर पालिका। हमको तकलीफ है, हम इनको क्या तकलीफ, हमसे यहाँ से व्यापारी को तकलीफ क्या। आज व्यापारी यहाँ से 9 किलोमीटर जाएगा अकेली जान लेके, भाड़ा ले रहे, किराया ले रहे, 3 महीने रास्ते जा रहे हैं। 80 रुपए लेते हैं एक कट्टे के, लहसुन के 150 रुपए ले रहे हैं वो नाके वाले। बेचारी भैया विधवा जाएगा 3 महीने रास्ते, किनके बाल बच्चे घर वाले कहाँ लेके जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मंडी, हमको अनाज मंडी मिले जो हमारी भये हमारे व्यापार लाइन को पास पड़े, बस स्टैंड पास में, कोई दिक्कत नहीं, बस स्टैंड इतनी पास में है कि ये भाई विस्तान से आके धंधा कर सकती है। अब ये 9 किलोमीटर जाएगी यहाँ और आएगी 150-200 रुपये एक लहसुन का कट्टा और एक मिर्ची का पाउच, एक नींबू का पाउच के 150-150 रुपये ले रहे हैं, तो ये क्या कौन सा अन्याय है कि क्या है? क्या मंडी टैक्स ले रहे हैं? हाँ, मंडी टैक्स तो अलग है, नाका मंडी टैक्स नाका, तो हम कहाँ जाएंगे। उसके बाद रिक्शे वाला 200 रुपये ले रहा है, उसके बाद यहाँ हेमाल ले रहा है, तो 300 रुपये रोज पे ठेले वाले दाड़ की कर रहे हैं। आज नीलामी हुई कि नहीं हुई? नीलामी नहीं हुई, बस ऐसे खर्ची बेच रहे हैं। नीलामी होने दी नगर पालिका ने? नगर पालिका ने यहाँ टेंकर लगा दिया, वहाँ टेंकर, तो नगर पालिका को तकलीफ क्या। नगर पालिका ने 30 लाख का ठेका दे दिया टेंडर वाले, हम कहाँ जाएंगे। सीमा मैडम से बात हुई क्या आप लोग? मैडम से कोई बात नहीं, मैडम ने खुला बोल दिया यहाँ टैंकर आ, तो क्या तकलीफ है। तो सीमा मैडम से आप लोग मिलो ना, सभी मिलेंगे। अब हम व्यापार लाइन, हम तो देखो दलाल से कोई मतलब नहीं, दलालों के घर चल रहे, दलाल तो अच्छे खासे कमा रहे, हम व्यापारी नुकसान उठा रहे। हमको कोई 300 रुपये रोज ठेला भरते है, कोई अधिकारी पैसा नहीं देता हमको। सुबह 6 बजे रास्ते जा रहे बच्चों को छोड़ के, और रात को 9 बजे घर दिखते, बच्चे सब सोएल मिलते है, और बड़े बड़े लोग जो दलाल हों आराम से 9 बजे सो जाएंगे। सर हमारा क्या होगा, हमारी एक मांग है, हमको मंडी ऐसी जगह दो जो हम सुकून से कमाए दो पैसा, अनाज मंडी जरा से कोने में दे दो, 9 बजे मंडी खत्म हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है किसी अधिकारी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किनको है जो इतनी मंडी बहुत जा रही है, आज 200-200 रुपये कमीशन कौन देगा, जब 200 में एक मजदूर ठेला काम कर रहा है, दिन भर कुत्ते जैसा ठेला चलाता आदमी, और जाता कहाँ है। क्या नाम? आज आके 3 बजे रात से आके। आप क्या नाम आपका? मनीष वर्मा। गाड़ी इसलिए लगाई कि यहाँ मंडी नहीं लगी, मंडी नहीं भराएगा, और मंडी नहीं भराएगी तो हम कहाँ जाएंगे। एकली लेडीज के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम 6-7 किलोमीटर मंडी जाएंगे तो हम माल कब लेके आएंगे, और हमारे से क्या उठ रही है। एमवाली भाड़ा कितना लग रहा है, परेशान कितना हो रहा है। वहाँ से गाड़ी घोड़े वाले रिक्शे वाले वो भी तक बेचारे 20 रुपये कट्ठा मांगते, 200-200 रुपये भाड़ा देंगे तो दाड़की हमको क्या मिल रही है, हम क्या कमाएंगे ना क्या बच्चों को खिलाएंगे। हमने मेरा लाइसेंस है, मेरे मामा जी का, कैलाश कदम जी का, हमने 1,19,000 रुपये लाइसेंस भी बिगाड़े हैं, तो हमको यहाँ जगह ही नहीं मिल रही, हमने किसने बिगाड़े हैं। हम कुछ कमाना चाहते थे, हमको यहाँ पलने की जगह दो, फिर हमारी यही मांग है। वो समस्या समझ रहे हैं कि जो टैक्स जो ना जाए वो वसूल रहे हैं, वो एक तरफ है और हमारी समस्या एक तरफ है। उसकी हड़ताल करो सर। क्या नाम आपका? नितिन सर। मैं ये कह रही, हम देवला से आते थे, देवला वहाँ मंडी थी, हम 3 बजे रात को उठते थे, जब यहाँ पे 3:30 बजे आप हमारे पास सिलक रहती मंडी वाले के देने के लिए। हम मंडी थे इतनी दूर है कि वहाँ से हम जा भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, और एक लहसुन का कट्टा, एक आलू का कट्टा ला भाई 200 रुपये देने, साइड से गाड़ी कर दी। रसीद देते हैं उसकी? रसीद नहीं देते, कोई रसीद नहीं देते, एक बिना रसीद के पैसे लेते हैं। हाँ, बिना रसीद के पैसे लेते, कहीं रसीद नहीं देते, कुछ नहीं देते, और हमारे पास आवेद पूरा आवेद कर रहे हो। मंडी तो वो नगद हाथ में पैसे लेते हैं, मंडी समिति। हाँ, फिर हमने पाई की जाते अकेले दुखेले, कहीं साधन नहीं, हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, मैं अकेले आती हूँ,
तो वहाँ से अपन यहाँ से कोई कह के चल दीजिए हम तेरे को छोड़, पर हमारे पास तो सिलक रहती, हमको कभी छिना के ले लिए ना हमको कभी मार के फेंक दिए, तो कौन इसका जवाबदारी है? क्या चाहते हो आप? तो हमको मंडी यहीं पे दो, नहीं तो फिर वहीं पे दो गल्ला मंडी, अनाज मंडी दो, अनाज मंडी नहीं तो कपास मंडी। पर इतनी दूर यहाँ से 9 किलोमीटर कैसे जाएंगे अकेले भाई? क्या नाम आपका? सूरज भाई देवला। कहाँ से आते हो? दिखता देवला से। पुराने सब्जी मंडी में थोक व्यापारी बैठते थे, है ना? हमने बैठक ली थी 2-3 दिन पहले, मैंने बोला था कि नई मंडी बनी है जो थोक व्यापारी है वो अपना वहाँ पे लगाएं, क्योंकि 40 नए लाइसेंसी भी आ गए हैं, उनको यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। तो उनकी भी मांग है कि साहब आधे यहाँ आधे वहाँ, तो हमारा बिजनेस प्रभावित है। अगर सब लोग इकट्ठे रहेंगे तो खर्ची वाले फिर वहाँ जाएंगे, खर्ची वालों के लिए हमारे पास ये जो पूर्वोत्तर व्यवस्था है वो पूर्वोत्तर व्यवस्था बनी हुई है, खर्ची वाले यहीं पर रहेंगे। पर इसमें सर कुछ समस्या ही आ रही है अभी, जैसे महिला व्यापारी भी हैं जो उनका ये कहना पड़ता है 3 बजे रात से हमको वहाँ जाना पड़ता है, हमारे पास रकम रहती है जाने के लिए 6-7 किलोमीटर हमको जाना पड़ता है, बाहर से महिला खरीदी करने आती है, उनके लिए समस्या है सर, उसका कैसे निराकरण होगा? उसके लिए हमने बोला कि मंडी व्यवस्था करेगी, मंडी के जो वाहन हैं, जो गरीब टाइप के जो खर्ची वाले हैं, प्रशासन उनको पूरा मदद करेगा। शुरुआती दिनों में कहीं किसी को कोई हम परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन शहर का स्वरूप क्या है 50 साल पहले और आज की स्थिति में काफ़ी बदल गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोक वाला काम वहीं पे हो और खर्ची वाला इधर। और चूंकि कोरोना भी चल रहा, आप भी समझते हैं कि थोक भी और खर्ची भी दोनों एक साथ रहेंगे तो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसमें निर्णय लिया गया है कि थोक व्यापारी वहीं जाएंगे। सर अनाज मंडी पे भी विचार किया जा सकता है कि नहीं, अगर वहाँ एक शेड मिल जाए तो व्यापारियों की सबकी समस्या हल हो सकती है? अनाज मंडी में हमने बात करी थी, लेकिन बता रहे थे मंडी सेक्रेटरी का बोलना है कि वहाँ जब अनाज के समय जब आना शुरू हो जाता है, आवक जब शुरू होती है, तो वहाँ जगह बिल्कुल नहीं बचती है। फिर भी अगर आपने कहा है तो खर्ची वालों के लिए हम दे सकते हैं। मंडी में आज क्या समस्या है? आप लोग SDM साहब भी आए थे अभी, आपसे क्या चर्चा हुई? SDM साहब तो खुला कहेंगे कि वहाँ जा रहे हैं, तो मगर हमारे व्यापारियों की तो पीड़ा तो सुनी नहीं सर ने, किस आधार से SDM साहब यहाँ आए थे, उनने खुला कह दिया कि वहीं जाएंगे, मगर हमारा तो कोई सुनो कि हम क्या परेशान हैं, हमारी बहन बेटियाँ परेशान हो रही है, 3-3 बजे रात से जा रहे हैं और मंडी समिति सीधी 200-300 रुपये मांग रही है नाका। तो SDM साहब आए थे तो SDM साहब से हम एक ही गुजारिश, हमारी तो सुनवाई करो, आप किस आधार से यहाँ पे आए, आपने बोल दिया कि मंडी में ही जाएंगे, तो हमारी तो पीड़ा सुनो। 100-200 नाके वाला ले रहे हैं, 100-200 गाड़ी भाड़े वाला ले रहे हैं। उनका कहना ये पड़ रहा है कि नए लाइसेंसी भी बने हैं, लाइसेंसी ज्यादा हो गए या बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो गल्ला मंडी हमारी मांग है कि अनाज मंडी बहुत सारी जगह है सर, थोड़े कोने में दे देंगे, तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हमारा काम खत्म हो जाता। 40 लाइसेंस में मनीष वर्मा का भी लाइसेंस है। उनका ये कहना पड़ रहा है कि मंडी में जब समय पे जब आवक होती है उस समय पे जगह नहीं रहती, तब उस समय दिक्कत आएगी। बहुत सारी जगह सर, सुबह 6 बजे से कौन से दलाल मंडी अनाज मंडी में कौन सा 6 बजे आ जाता है? रात में वाहन आ जाते हैं, वाहन शेड में लग जाते हैं, तो एक जगह बहुत सारी खाली। हमारा क्या है, छोटे सा व्यापारी हम हैं, सुबह लेके आ जाते हैं हम, और खास तो बस स्टैंड पास पड़ता है सर हमको, हमारी बहन बेटियों के पास सिलक रहती है 20,000-15,000 रुपये, और आधी भैया विधवा है इसमें सर, वो बेचारी यहाँ किसको कहते जतपत के जाते हैं, उसके बाद दिक्कत आती है हमारे व्यक्तियों को कि इतनी दूर जंगल में लेके जाते हैं सर, कोई हमारे बहन बेटियों के साथ कहीं हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका सर? हम एक गुजारिश करते हैं, हमको अनाज मंडी दे दो तो हम सुखी सुखी रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक दिक्कत है कि हमारी कोई सुनवाई करे, हमारे बड़े बड़े लोगों की सब सुनवाई हो रही है सर, मगर छोटे व्यापारी की कोई सुनवाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीष वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।